बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा चार के हिंदी विषय के अंतर्गत कलरव किताब से पाठ आठ टोकरी में क्या है, ये पाठ आप लोगों को आज मैं पढ़ाऊंगी। आप लोग इसको देखिए, एक बूढ़ी दादी माँ है और एक बच्ची है, उसकी नानी है, दादी नहीं है नानी है, और ये बच्ची है, उसकी बातचीत है अपने नानी से। गर्मी की छुट्टियों का अंतिम दिन है, अदिति नानी के पास से अपने गांव लौट रही है, उसके पिताजी लेने आए हैं, वह अपने घर पर जाने के लिए तैयार हो रही है। नानी कहती है, अदिति मैंने इस टोकरी में कुछ बांध कर रखा है, इसे भी अपने साथ ले जाना। अदिति, अरे वाह, टोकरी में क्या है नानी जी? नानी, तुम स्वयं अनुमान लगा कर बताओ कि क्या हो सकता है। अदिति, अच्छा तो मुझे सोचने दो नानी जी, या तो इसमें मिठाई है या फल। नानी, फल है। अदिति, आहा, तब तो इसमें अवश्य ही सेब होंगे नानी जी। नानी, नहीं सेब नहीं है, फिर से सोचो। अदिति, ठीक है नानी, सोचती हूँ। अच्छा यह तो बताओ कि यह फल छोटे पौधे पर लगता है या पेड़ पर। नानी, पेड़ पर। अदिति, तब तो यह नारंगी है। नानी, नहीं बिटिया, नारंगी भी नहीं है। अदिति अब बोलती है, अच्छा यह पीला है या लाल? नानी, पीला है। अदिति, तब यह आम होगा। फिर नानी कहती है, ना ना, आम भी नहीं है। फिर अदिति बोलती है, अच्छा मुझे फिर से सोचने दो, इसकी आकृति कैसी है? नानी, गोल है, तब अमरूद होगा। नानी, नहीं अमरूद नहीं है। अदिति, अच्छा ये स्वाद में कैसा है, मीठा खट्टा या कसैला? फिर उसकी नानी जवाब देती है, इसका स्वाद खट्टा है। फिर अदिति बोलती, तब तो यह जरूर माल्टा होगा। नानी कहती है, नहीं बिटिया, तुम करीब करीब तो पहुंच गई हो, फिर भी थोड़ा प्रयास करो। अदिति, ठीक है नानी, अच्छा बताओ यह फल किस काम में आता है? नानी, यह अचार और शरबत बनाने के काम आता है। अदिति, नानी अब मैं जान गई कि यह नींबू है। नानी ने जवाब दिया, हाँ बिटिया ठीक बताया, शाबाश। तो क्या बच्चों, आप लोग भी पहचान जाते अदिति की तरह, जैसे उसने अपने नानी से पूछा? मुझे लगता है आप लोग भी पहचान जाते। ठीक है बच्चों, इस पाठ को ध्यान से दोबारा सुनना। धन्यवाद।